हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, इस महीने 5 मई को जो फिल्म रिलीज होने वाली है वो है आदा शर्मा स्टारर फिल्म द केरला स्टोरी, जिसका प्रोड्यूसर है विपुल अमृतलाल शाह और जिसका डायरेक्टर है सुदीप्त सेन। इस फिल्म की स्टोरी एक्चुअल कहानी पे आधारित है, जहाँ पे कुछ औरतों को केरला से इराक और सीरिया ले जाया जाती है। दोस्तों, इस साल जिस फिल्म के लिए लोगों में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है वो है शाहरुख खान स्टारर फिल्म जवान। इस फिल्म को प्रोड्यूस किए है गौरी खान। ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीज होने वाली है। इसमें शाहरुख खान, नयनतारा, प्रिया मणि है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एटली कुमार और ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। सुनने में आ रहा है इस फिल्म में शाहरुख खान की डबल रोल है। इसके बाद 9 जून 2023 को जो फिल्म रिलीज होने वाली है वो है शाहिद कपूर, संजय कपूर, डायना पेंटी स्टारर फिल्म ब्लडी डैडी। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे आली अब्बास जाफर ने डायरेक्ट किए हैं। ये एक फ्रेंच फिल्म स्लीपलेस नाइट, इसकी रीमेक है। ये फिल्म 9 जून 2023 को OTT पे रिलीज होगी ऑन जियो सिनेमा। इसके बाद 16 जून 2023 को जो फिल्म रिलीज होने वाली है वो है प्रभास, सैफ अली खान, कृति सेनन स्टारर फिल्म आदि पुरुष। ये एक इंडियन माइथोलॉजिकल फिल्म है जो कि रामायण पे बेस्ड है। ये फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे भूषण कुमार ने प्रोड्यूस किए हैं। इस फिल्म का डायरेक्टर है ओम राउत और बताया जा रहा है कि ये इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म है जिसका बजट नियर अबाउट 600 करोड़ है। इसके बाद 23 जून को जो फिल्म रिलीज होने वाली है वो है अजय देवगन स्टारर फिल्म मैदान। ये एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसमें अजय देवगन एज ए फुटबॉल कोच नजर आएंगे। इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं बोनी कपूर ने और डायरेक्टर है अमित शर्मा। इसके बाद 29 जून को रिलीज होने वाली है कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, गजराज राव स्टारर फिल्म सत्तर प्रेम की कथा। ये एक म्यूजिकल रोमांस ड्रामा फिल्म है जिसका डायरेक्टर है समीर विद्वांस। इसके बाद 7 जुलाई 2023 को जो फिल्म रिलीज होने वाली है वो है आयुष्मान खुराना, अनन्या पांडे स्टारर फिल्म ड्रीम गर्ल 2। ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे प्रोड्यूस किए है एकता कपूर ने। इसके बाद उसी महीने 28 जुलाई को जो फिल्म रिलीज होने वाली है वो है रणवीर सिंह, आलिया भट्ट स्टारर फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे प्रोड्यूस किए है धर्मा प्रोडक्शन एंड वियाकॉम 18 स्टूडियो। इस फिल्म का डायरेक्टर है करण जौहर। इसके बाद 11 अगस्त 2023 को जो फिल्म रिलीज होने वाली है वो है रणवीर कपूर, अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म एनिमल, जो एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसे प्रोड्यूस किए है भूषण कुमार। इसके बाद उसी दिन अर्थात 11 अगस्त 2023 को जो फिल्म रिलीज होने वाली है वो है सानी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 द कथा कंटिन्यूज। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है और जिसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है अनिल शर्मा। इसके बाद 7 सितंबर को रिलीज होने वाली है पंकज त्रिपाठी, ऋचा चड्ढा स्टारर फिल्म फुकड़ी 3। ये कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है मृगदीप लंबा। इसके बाद 15 सितंबर को रिलीज होने वाली है सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटानी, राशि खन्ना स्टारर फिल्म योद्धा। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको प्रोड्यूस किए है हीरो यश जौहर और जिसका डायरेक्टर है सागर अम्ब्रे और पुष्कर ओझा। इसके बाद 20 अक्टूबर 2023 को जो फिल्म रिलीज होने वाली है वो है श्री अमिताभ बच्चन, टाइगर श्रॉफ एंड कृति सेनन स्टारर फिल्म गणपत पार्ट 1। ये एक साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसके बाद 25 दिसंबर 2023 को इस साल की जो सबसे आखिरी फिल्म रिलीज होने जा रही है वो है अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां। ये एक एक्शन कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जिसे प्रोड्यूस किए है वासु भागनानी ने और जिसका डायरेक्टर है आलिया अब्बास जफर।